पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई है पिछले बजाज के लिए. थैंक यू वेरी मच. सो हाउ फीलिंग फर्स्ट डे का, क्योंकि इट्स अ वेरी लैंडमार्क कैरेक्टर जो आप प्ले करने जा रहे हैं. द फीलिंग इज एक्सेलेंट. आई थिंक मिस्टर बजाज प्ले करने के एक अलग ही खुशी होती है, बिकॉज इट्स एन आइकॉनिक कैरेक्टर एंड नॉट मेनी पीपल गेट द चांस टू प्ले टू बिग कैरेक्टर्स वन आफ्टर द अदर. अब तक बायचम खत्म हो गई, अब कसौटी. आई थिंक आई मस्ट हैव डन समथिंग राइट. सर मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं बदल चुकी हैं, सेट पे शूटिंग का माहौल अलग होगा, तो बहुत सारी चुनौतियां होंगी. यार माहौल तो अलग होगा, बट आई थिंक सबको जब तक सबको थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी. एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ. ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम अपनी छोड़ के सामने वाले की ज्यादा परवाह करते हैं ना, कि उसने ये किया है उसने वो किया. भाई तो अपना मूड हट गया, सर आपकी सवाल. लुक जो है वो बहुत बेहतरीन आया कल जब पीआर टीम ने हमें भेजा. अच्छा. तो बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया उस लुक को, एंड इट्स वेरी डिफरेंट दैट व्हाट वी हैड सीन इन पास्ट. So, आपको पर्सनली कैसा लगा, अंकिता मान का रिएक्शन कैसा? यार आई फॉर द फर्स्ट टाइम आई ग्रेड माय हेयर एज इन शेड्स ऑफ ग्रे, तो मेरे लिए तो कुछ नया है, बट एज लॉन्ग एज द ऑडियंस एंड द पीपल आर लाइकिंग इट, तो चलो क्या चलने दो. अंकिता मान का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने फर्स्ट लुक देखा? शी ऑल्सो लाइक द लुक एंड शी हैड हर इनपुट्स. तो आई थिंक ओवरऑल क्रिएटिव टीम और हम सब ने मिलकर वी कम टू अ कॉमन ग्राउंड टू गेट द परफेक्ट लुक एंड द फाइनल लुक राइट. सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ऑल द बेस्ट.